सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज के हमारे क्लास सेवन क्लास, सब्जेक्ट हमारा साइंस, टॉपिक है हमारा उष्मा। इससे पहले वाली क्लास में भी उष्मा के बारे में अपन पढ़ चुके थे। इसका फर्स्ट पार्ट जो था वो कम्प्लीट हो चुका है, आज इसका सेकेंड पार्ट अपन पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले इसमें है उष्मा में तापमापी के बारे में पढ़ा था। इसमें तापमापी के दो प्रकार, डॉक्टरी तापमापी और प्रयोगशाला तापमापी के बारे में अपन पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे अपन उष्मा का स्थानांतरण। उष्मा का स्थानांतरण, स्थानांतरण का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। उष्मा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचती है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। चले देखते हैं। इसके लिए जब किसी बर्तन को हम ज्वाला पे रखते हैं तो बहुत तप्त हो जाता है। किसी भी ज्वाला पे अगर किसी बर्तन को रखेंगे तो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसका कारण यह है कि उष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। अब उस बर्तन को जब ज्वाला से हटा लेंगे तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अब ये ठंडा क्यों हुआ, तो उष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों स्थितियों में उष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। उष्मा का स्थानांतरण किधर होता है, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। वास्तव में उष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। इसके लिए चलिए हम देखते हैं कि उष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में उष्मा तीन प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। कौन कौन से हैं वो प्रक्रम, पहला है चालन, दूसरा है संवहन और तीसरा है विकिरण। जो उष्मा का जो स्थानांतरण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो तीन प्रक्रमों के द्वारा होता है। तीन प्रक्रम है, कौन कौन से हैं, उष्मा का स्थानांतरण तीन प्रक्रम के द्वारा होता है, के द्वारा होता है। कौन कौन से हैं, पहला है चालन, दूसरा है संवहन और तीसरा है विकिरण, ठीक है। इनके द्वारा क्या होता है, उष्मा का स्थानांतरण होता है। उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। सबसे पहले हम बात करते हैं चालन के बारे में। चालन जो होता है इसके द्वारा उष्मा का स्थानांतरण किस में होता है, ठोसों में। ठोसों में किस प्रकार होता है, जैसे कि हम बात करें वह प्रक्रम जिसमें उष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। किसी भी वस्तु का जो गर्म सिरा होता है उससे उसके ठंडे सिरे की ओर अगर उष्मा स्थानांतरित हो रही है तो वह प्रक्रम क्या कहलाता है, चालन कहलाता है। और ठोसों में उष्मा प्राय चालन के प्रक्रम के द्वारा ही स्थानांतरित होती है। अब हम बात करें चालन, क्या होता है चालन, तो चलिए एक बार चालन की परिभाषा लिख लेते हैं। उसको नोट कर लेना पहले। चालन वह प्रक्रम जिसमें उष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर, ठंडे सिरे की ओर प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, क्या कहलाता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है, चालन कहलाता है। और इस प्रकार का चालन किसमें पाया जाता है, ठोसों में। किसमें पाया जाता है, ये ठोस में, ठीक है। इसके बाद हम बात करें जो पदार्थ अपने से होकर, अपने में से होकर के उष्मा को आसानी से
जाने देते हैं, मतलब उसमें से आसानी से ऊष्मा प्रवाहित हो सकती है, वो क्या कहलाते हैं, ऊष्मा के चालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे हम बात करें एल्यूमिनियम है, आयरन है तथा कॉपर, ये सभी क्या है, ऊष्मा के चालक पदार्थ। और जो पदार्थ अपने में से होकर ऊष्मा को स्थानांतरित नहीं होने देते हैं, वे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है, चालक कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। उदाहरण है एल्यूमिनियम, कॉपर आदि। वे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है, वो क्या कहलाते हैं, ऊष्मा के चालक कहलाते हैं। उदाहरण है हमारे पास एल्यूमिनियम, कॉपर आदि, कुचालक। वे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का चालन आसानी से नहीं होता है, क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। उदाहरण है लकड़ी एवं प्लास्टिक, इनमें क्या होता है, ऊष्मा का चालन नहीं होता है, फिर आदि। नोट करना है, चालक और कुचालक, जिनमें ऊष्मा का चालन होगा वो चालक, जिनमें ऊष्मा का चालन नहीं होगा वो कुचालक। चालन के बाद है संवहन, देखते हैं क्या होता है संवहन। जैसे कि मान लो जब किसी वस्तु को हम गर्म करते हैं, जैसे जल को गर्म करते हैं, तो ज्वाला के पास का जो जल है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है और गर्म जल ऊपर उठता है। इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है, फिर यह जल भी गर्म होकर के ऊपर उठता है तथा आसपास से जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म न हो जाए और ऊष्मा का स्थानांतरण, इस विधि को क्या कहा जाता है, संवहन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है, जैसे कि मान लो तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजन परिघटना का अनुभव करते हैं, दिन के समय क्या होता है, स्थल जो होता है जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है, स्थल से ऊपर की ओर वायु गर्म की ओर उठती है, इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है और चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है और समुद्र की ओर से आने वाली जो वायु होती है उसको क्या कहा जाता है, समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों और खिड़कियाँ जो होती है समुद्र की ओर बनाई जाती है। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है, समुद्र का जल स्थान की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थान की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है, यह क्या कहलाता है, थल समीर कहलाता है। इसके बाद है कि जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हमें गर्माहट का अनुभव होता है और सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है, तो यह चालन व संवहन द्वारा हम नहीं समझ सकते। तो इन दोनों प्रक्रमों में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक होता है। चूंकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के अधिकांश स्थान में कोई माध्यम नहीं है,
जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक उष्मा का एक अन्य प्रकरण द्वारा आती है, उसे विकिरण कहा जाता है। सवन के बाद क्या है? विकिरण। ठीक है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद है सर्दियों व गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार। गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्रों को वरीयता देते हैं और सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र या सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक प्रतीत होता है, क्योंकि सर्दियों में जो गहरे रंग के वस्त्र होते हैं उनसे हमें सुखद लगता है और हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदायक लगते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। कैसे बनाए रखते हैं? तो सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं, ऊन उष्मारोधी है। ऊन क्या है? उष्मारोधी है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी होती है। वायु फंसी होती है मतलब ट्रैप रहती है। यह वायु हमारे शरीर की उष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकिरण होने से रोकती है, अतः हमें उष्णता का गर्मी का अनुभव करवाती है। ठीक है, आज का ये जो हमारा पाठ है वो यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। इसका आपको होमवर्क करना है और व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है।